हरियाणा एट 9 पीएम न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि चर्चा चली है कि मारुति और जमीन लेगी 600-700 एकड़ और सरकार और जमीन का प्लान बना रही है, फॉर्मेट तैयार कर रही है कहाँ पे जमीन ली जाए। और एक तथ्य ये भी सामने आया है कि एक सेकंड फेज आईएमटी खरखोदा का जो था, जो वो था सैदपुर जटोला की तरफ, इस एरिया में था, वो पहले से ही डिजाइन किया हुआ है प्लान 2041 के मुताबिक। लेकिन अब एक और प्लान एचएसआईडीसी तैयार कर रही है, वो प्लान तैयार किया है जो अब मारुति का जो प्लांट बना हुआ है उनके जो बाउंड्री है ठीक उसके साथ लगती जमीन, पहलादपुर सोटी का कुछ भाग, कुछ भाग लड्रावण का, कुड़ासी का, कणौंदा बाउंड्री के आसपास सी वो एरिया, उस एरिया में भी प्रोजेक्ट तैयार कर रही है, एक फॉर्मेट तैयार कर रही है कि आने वाले समय में हो सकता है कि भाई उस एरिया की तरफ भी इंडस्ट्रीज लगाई जाएं। जिस तरीके से डिमांड बढ़ रही है और ज़्यादा भविष्य में डिमांड बढ़ सकती है तो वहाँ भी इंडस्ट्री लगाई जा सकती है। अब जैसे ही वहाँ का फॉर्मेट तैयार हुआ तो लोगों में बेचैनी शुरू हो गई किसान भाइयों में कि भाई अब तुम्हारी जमीन सस्ती बिकेगी या सरकार एक्वायर करेगी, रेट कम मिलेंगे। हालांकि अब रेट वहाँ अच्छे चल रहे थे इंडस्ट्री के कारण, केएमपी के कारण, जो जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे का जो जंक्शन बनना है केएमपी पे वो वहीं बनना है, दसौर खेड़ी कुड़ासी के सीमा के आसपास ही बनना था, तो वहाँ जमीन डिमांड बढ़ रही थी लगातार। लोगों की जमीन ने जिनकी रोड पे थी 3-4 करोड़ रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से भी और ज़्यादा भी थोड़ी कम भी, इस तरह के रेट फिलहाल वहाँ पे सुनने में मिल रहे थे। लेकिन अब जैसे ही एक ये फॉर्मेट की प्लानिंग की गई है तो एक ये अफवाह फैलाई गई है कि भाई आपकी ज़मीन एक्वायर हो जाएगी, सस्ते रेट में बेचो, ये करो, तो कुछ किसान भाई इससे डर गए हैं कि भाई अगर सरकार ने एक्वायर कर ली तो कम रेट मिलेगा, कम रेट मिलेगा, तो इस चक्कर में कुछ लोग परेशान से हैं। जबकि ऐसी अभी कोई फिलहाल प्लानिंग नहीं है एक्वायरमेंट की सरकार की, वैसे भी सरकार ने एक्वायरमेंट का प्रोजेक्ट फिलहाल डिले किया हुआ है, फिलहाल इतना फास्ट प्रोसेस नहीं है, करते नहीं हैं। अभी भी कुछ इलाके में जो ज़मीनें एक्वायर करनी थी वहाँ ज़मीनें एक्वायर ना करके सरकार ने परचेजिंग कमेटी बना करके उसके तहत जमीन ने ली हैं, बात चाहे जींद की हो या रनिया की हो या सिरसा की तरफ के नलवा की तरफ की हो, बहुत सारे प्रोजेक्ट थे, कहीं 98 एकड़ का था, कहीं 5 एकड़ का था, कहीं 24 एकड़ का था। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने खुद कहा है कि भाई जो अधिग्रहण का प्रोसेस है बहुत लंबा प्रोसेस है, इसमें कई किसानों की नाराजगी भी होती है और कोर्ट में भी चले जाते हैं तो लंबा अरसा लग जाता है एक्वायरमेंट के चक्कर में, इसलिए ई भूमि पोर्टल लेके आए हैं, किसान की सहमति से जमीन खरीदी जा रही है, रेट भी ठीक मिल रहे हैं। उधर दूसरी तरफ बात करें कि लोग ये कहने लगे हैं ये जमीन एक्वायर होगी, ये एक फिलहाल अफवाह है, फिलहाल जो एचएसआईडीसी ने प्लान किया है उसका एक कच्चा फॉर्मेट है, कच्चा फॉर्मेट है कि भाई अगर सरकार दो च्वाइस मांगती है कि जमीन कहाँ कहाँ हो सकती है तो वो एक और एडिशनल ये पार्ट दिखाने के लिए कि यहाँ भी जमीन हो सकती है और तीसरा भी कर सकती है एचएसआईडीसी, तीसरा प्रोजेक्ट के रूप में भी जमीन दिखा सकती है, तो वो एक अपना एक प्रोसेस है सरकार का, एचएसआईडीसी का प्रोसेस है, जो एचएसआईडीसी के पटवारी हैं, जो उनकी जो प्लानिंग विंग है वो प्लान करती रहती है। एक प्लान ये भी किया है कि साथ लगती ये जमीन भी हम डिजाइनिंग ले सकते हैं, उसमें क्या क्या प्लान करना पड़ता है, कितने रोड हैं, कैसे रोड जाएंगे, कैसे कितने रोड जाएंगे, कैसे रोड जाएंगे, ड्रेनेज का क्या प्रभाव रहेगा, पानी निकासी की सिस्टम कैसा रहेगा, रेलवे लाइन है नहीं है, बिजली की कितनी वायर है, कौन सी लाइन गई हुई है, तो वो सारा का सारा सिस्टम देखती है। इस तरह से प्लान एचएसआईडीसी करती रहती है भविष्य के प्लान, जैसे कि 2041 का प्लान किया था खरखोदा आईएमटी का और खरखोदा के सेक्टरों का, उस पर अभी अमल होने लग रहा है। 2021 में प्लान किया था, 2021 से भी पहले का था कुछ प्लान, तो 2021 का किया पहले, अब सीधा 41 का कर रखा है,
तो उसके तहत भाई इतने तक आबादी इतनी हो जाएगी उस प्लान के चलते। अब वो जो जो कुलासी सोटी लडरावन की तरफ का जो फॉर्मेट तैयार किया गया है उसका अभी ये भी कन्फर्म नहीं है कि वो किस प्लान के तहत है, वो 2051 के प्लान के तहत है या 41 के प्लान के तहत है या अभी रिक्वायरमेंट होगी या कब होगी या कब का प्रोजेक्ट है या फिजिबिलिटी बनेगी नहीं बनेगी, अभी ये सारा का सारा रुका हुआ है। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि जमीन सरकार एक्वायर कर रही है, अभी बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और किसान भाई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है उन्हें, वो अपना समय समय पे बस ये पता करते रहें कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और आनन फानन में डर के अपनी ज़मीन ना बेचें, सस्ती ज़मीन ना बेचें, अपना ज़रूरत है उस हिसाब से ज़मीन का करें, किसी के बहकावे में ना आए, बस अपना कन्फर्म कर ले प्रशासन से। प्रशासन भी टाउन प्लानिंग विभाग भी इस बारे में किसान को जानकारी देता है सही, डीसी कार्यालय से भी जानकारी मिल सकती है, तो अपनी जानकारी ले ले पहले, किसी के बहकावे में डर से ज़मीन अपनी ना बेचे। ये हमने उस प्रोजेक्ट के बारे में बताया है जो आ भी सकता है और अभी फिलहाल उसका डिजाइनिंग होने लग रही है, प्लानिंग उसकी देखी जा रही है। हुड्डा साहब के आते ही, हुड्डा सरकार आते ही महिलाओं के लिए रसोई भत्ता 2000 रुपये किया जाएगा और महिलाओं के लिए यात्रा भी फ्री की जाएगी। जैसा कि भाजपा सरकार षड्यंत्र के तहत फैमिली आईडी लेके आई है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, नाजायज परेशान किया जा रहा है, हुड्डा सरकार आते ही इस फैमिली आईडी को खत्म किया जाएगा, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है, तहसील कोर्टों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, इसको खत्म किया जाएगा फैमिली आईडी को। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत, ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, लिगामेंट फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, स्पोर्ट्स इंजरी, ऑर्थोस्कोपी, नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, डॉक्टर गगन कंसल, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट सर्जन, MBBS, DNB ऑर्थो। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ कॉन्टैक्ट 7056511111। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें, ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। मेरा नाम सोनाक्षी है, मैं टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ और इस लाइब्रेरी का एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे काफ़ी फैसिलिटीज़ भी हैं जैसे कि पानी की, वॉशरूम की, एसी की, और एनवायरनमेंट भी यहाँ का काफ़ी अच्छा है, और साथ ही साथ हमें लैपटॉप वगैरह, वाईफाई वगैरह की फैसिलिटीज़ भी मिल जाती हैं, स्पेशली गर्ल्स के लिए काफ़ी सारी अच्छी सारी फैसिलिटीज़ हैं। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।